तो देखो यार, आप लोग को ये तो मालूम है ये वाला जो इमोट है अभी के टाइम पे हर एक बंदे के पास है, और अगर आप लोग ने इस इमोट को अभी तक नहीं निकाला है तो आप लोग बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। अब मैं आपको ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, पहली बात तो ये इमोट फ्री मिलता है तो आप लोग को निकाल लेना चाहिए, और दूसरी बात ये इमोट को फ्री फायर वाले बहुत सालों से फ्री में दे रहे हैं, तो क्या पता इसको फ्री फायर वाले हटा दे या इसके बदले में कोई नया इमोट ला दे, तो उससे पहले आप लोग को इस वाले इमोट को निकाल लेना चाहिए, बिकॉज इस बार इस इमोट को बहुत सारे बंदों ने निकाल लिया है। सो गाइस, इसी बात पे आज की वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसे अचीवमेंट मिशन जिसे आप लोग आराम से कंप्लीट करके इस इमोट को निकाल सकते हो। और दोस्तों, मैं आपको सिर्फ बताने वाला नहीं हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, जिससे कि हर एक बंदे को अच्छे समझ में आ जाए कि मिशन में एग्जैक्ट करना क्या है। और दोस्तों, आप लोग को वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसा टिप एंड ट्रिक मालूम चलने वाला है जिसकी वजह से आप लोग के लिए ये सब मिशन और ज्यादा इजी हो जाएगा। सो गाइस, इसी बात पे चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की ओर। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो गाइस, हमारे इस मिशन का नाम है हीरो नेवर डाइस। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको सीएस रैंक के अंदर जाके 1v2 या 1v3 क्लच करना पड़ेगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सो गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे पे एनिमी रश कर रहा था, मैंने इसको जल्दी से नॉक कर दिया। और यहाँ पर आप लोग को तभी क्लच करना है 1v2 जब आपके टीममेट जिंदा ना हो, जैसे कि मेरे यहाँ पर टीममेट जिंदा नहीं है, ठीक है ना। अब दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सामने एक बंदा जिंदा है, तो यहाँ पर मैं तस्वीर अलग फटाक से जाऊंगा, और इसको मैंने जैसे मारा यहाँ पर मेरा 1v2 का हो चुका है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। बस दोस्तों, आप लोग को इसी तरह सीएस रैंक में 1v2 या 1v3 करना है 80 बार, तब जाके आपका ये वाला मिशन हो जाएगा टोटली कंप्लीट, और आपको मिलेंगे यहाँ पर टोटल 170 पॉइंट। अब चलते हैं अपने अगले मिशन की ओर। सो दोस्तों, हमारे इस मिशन का नाम है ऑलवेज ऑन टॉप। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे बंदे को मारना है जिसने ज्यादा किल कर रखा हो बीआर रैंक में, ठीक है ना। आपको मैं इसको करने का ट्रिक बता देता हूँ। देखो, आप लोग को बीआर रैंक गेम स्टार्ट कर देना है और आप लोग को पीक पे उतरना है, बिकॉज पीक पे उतरने वाले बंदे 4-5 किल तो कर ही लेते उतरते ही। उसी बंदे को आपको मारना है जिसकी वजह से आप लोग ऐसे बंदे को मार दोगे जो ज्यादा किल किया होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं जैसे उतरा तो मुझे एक बंदा दिख गया फाइट लेते हो, तो मुझे समझ में आ गया था वो 2-3 किल तो कर ही दिया होगा, बस अब मुझे बस उसे मारना है और यहाँ पर मेरा मिशन हो जाएगा, ठीक है। वो सामने है, लेकिन ना ये बहुत तेज रहता है, ये मुझे मारने का ट्राई करता है, उससे पहले मैं ग्लूवाल लगा देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, रोटेशन लेके जाऊंगा उसके पास। अब दोस्तों, जैसे ही मैं भागते-भागते इसके पास आता हूं और ये मुझे देख ही नहीं पाता, जैसे मैं इसके ऊपर चढ़ के इसको फटाक से मार देता हूं, ठीक है ना। और जैसे ही मैं इसको मारता हूं तो यहां पर देख सकते हो आप लोग किंग स्लेयर का दिख चुका है और यहां पर मेरा ये वाला मिशन हो गया। और दोस्तों, जैसे ही आप लोग ऐसा करोगे टोटल 180 बार तो आपका ये वाला मिशन हो जाएगा टोटली कंप्लीट और आपको मिलेंगे यहां पर टोटल 170 पॉइंट। अब गाइस, बढ़ते हैं अपने अगले मिशन की ओर। तो दोस्तों, हमारे इस मिशन का नाम है चॉप चॉप स्लाइड। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको बीआर रैंक में जोन के अंदर जाना है जब आपकी एचपी 30 या 25 के नीचे हो। मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। तो देखो, आप लोग को यहाँ पर बीआर रैंक गेम स्टार्ट कर लेना है और जोन के बाहर घूमते रहना जब तक आपकी एचपी यहाँ पर 15-20 नहीं हो जाती। और जैसे ही आप लोग की एचपी यहाँ पर 15-20 होगी, वैसे ही आप लोग को जोन के अंदर जाना है, जिस तरह मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पर जाऊंगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। और जैसे ही आप लोग ऐसा करोगे 80 बार तो आपको मिलेंगे यहाँ पर टोटल 170 पॉइंट और आपका ये वाला मिशन हो जाएगा टोटली कंप्लीट। अब दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले मिशन की ओर। सो दोस्तों, हमारे इस मिशन का नाम है लीड ऑफ द शो। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको बीआर रैंक गेम स्टार्ट होने के बाद जैसे आप लोग उतरोगे तो आपको 20 सेकंड के अंदर किसी एक बंदे को मारना है। मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही मैंने यहाँ पर गेम स्टार्ट किया तो मैं आगे यहाँ पर पीक पे। अब मैं उतरने के बाद यहाँ पर गन खोजूंगा, जैसे मुझे गन मिलेगा अब मैं बंदे खोजने वाला हूँ, बिकॉज मेरे पास 20 सेकंड ही है। 20 सेकंड के अंदर मुझे एक बंदे को मारना है उतरने के बाद, और यहाँ पर मुझे बंदा दिख चुका है और यहाँ पर मैंने इस पर फायरिंग शुरू कर दिया है। और भाई, ये मार दिया मैंने फटाक से इसको, और आप लोग यहाँ पर देखो मिशन भी दिखा देगा आपको। और दोस्तों, ऐसा करना है आप लोग को 200 बार, तब जाके आपका ये वाला मिशन हो जाएगा टोटली कंप्लीट और आपको मिलेंगे यहाँ पर टोटल 170 पॉइंट। अब बढ़ते हैं अपने अगले मिशन की ओर। सो दोस्तों, हमारे इस मिशन का नाम है माई नेम केरी, और ये एक बहुत ज्यादा इजी मिशन है, बिकॉज आप लोग इस मिशन को क्लैश स्क्वाड में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। बस आपको यहाँ पर एमवीपी आना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, आप लोग को सिंपल क्लैश स्क्वाड गेम चालू कर देना है, और आपको ये तो मालूम होगा कि सिंपल क्लैश स्क्वाड गेम में ज्यादा अच्छे बंदे आते नहीं है, ज्यादातर नूब बंदे ही आते हैं। बस आप लोग को उनको मार के ज्यादा से ज्यादा किल करना है आप लोग को, ठीक है ना। जिस तरह मैंने यहाँ पर इस बंदे को मार के क्वार्टर कर दिया, मतलब आप लोग को पूरा गेम में ज्यादा किल करना है। और आप लोग का यहाँ पर नाम दिखना चाहिए, जिस तरह मेरा यहाँ पर नाम दिख रहा है एमवीपी में, तो आप लोग का ये वाला मिशन कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही आप लोग ये वाला मिशन कर लोगे टोटल 50 बार तो आपका ये वाला मिशन हो जाएगा टोटली कंप्लीट और आपको मिलेंगे यहाँ पर टोटल 170 पॉइंट। अब दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले मिशन की ओर।
सो दोस्तों हमारे इस मिशन का नाम है माई वे और द हाईवे। इसमें क्या करना पड़ेगा, आप लोग जिस भी लोकेशन में लैंड करते हो, जिस भी लोकेशन में उतरते हो, वहां पर आप लोग को 5 किल करना है, ठीक है ना। मतलब कि मान के चलो आप लोग क्लॉक टावर पे उतरे हो या पीक पे उतरे हो, तो वहां पर आपको 5 किल करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। अब देखो जैसा कि गाइस यहाँ पर मैं पीक पे उतर रहा हूँ, मतलब कि मैंने लोकेशन चुना है पीक का, ठीक है ना। अब मेरे को इस लोकेशन में 5 बंदे को मारना है, ठीक है। तो मुझे पहला बंदा दिख जाता, फटाफट मैं इस पे स्प्रे भर देता हूँ मैगन 7 का, और यहाँ पर मेरे 1 किल हो चुके हैं। और मुझे फिर दूसरा बंदा भी दिख जाता है, तो इसको मैं पूरा मारने का ट्राई करता हूँ और इसको भी मार देता हूँ, मतलब कि 2 किल मेरे यहाँ पर हो गए। और तीसरा बंदा भी मुझे पीक पे मिल जाता है, तो यहाँ पर मैं इसको भी फटाफट मार देता हूँ। और चौथा बंदा भी मुझे पीक पर ही मिल जाता है, तो यहाँ पर मैं पीक पे मार देता हूँ, बिकॉज वो पीक के अंदर ही बंदे को मारना है, इसलिए मैं पीक छोड़ के जा नहीं रहा था, ठीक है। अब मुझे लास्ट बंदा भी दिख गया, मतलब कि 5वां बंदा दिख गया, जो कि यार बहुत ज्यादा मूवमेंट दिखा रहा था, ठीक है ना। अब मैं जैसे ही इसको मारूंगा तो यहाँ पर मेरे ये वाला मिशन कंप्लीट हो जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और जैसे ही आप लोग ऐसा करोगे 80 बार, तो आपका ये वाला मिशन हो जाएगा टोटली कंप्लीट और आपको मिलेंगे यहाँ पर टोटल 170 पॉइंट। अब बढ़ते गए अपने अगले मिशन की ओर। सो दोस्तों इस मिशन का नाम है अनक्राउंड मिशन, और ये एक बहुत ज्यादा विचित्र मिशन है, बिकॉज इसमें आप लोग को बोया लेना नहीं, बोया किसी को देना है। मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ मिशन करके। और दोस्तों इस मिशन की सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग इस मिशन को क्लासिक में कंप्लीट कर सकते हो। जैसा कि मेरे सामने एक बंदा है, मैं फटाफट इसको मारूंगा। आप लोग को जितने बंदे दिखे आप लोग को उतने बंदे मारना है, ठीक है ना। जो बंदे आप लोग मार सकते हो उतने बंदे आप लोग को मारना है, जिस तरह मैं यहाँ पर बंदे को मार रहा हूँ। और जैसे ही आप लोग सारे बंदे मार दोगे, तो लास्ट का जो बंदा बचेगा ना, एक बंदा, उसको बिल्कुल नहीं मारना है आप लोग को, ठीक है ना। आप लोग को लास्ट वाले बंदे के हाथ से मर जाना है, जैसे कि यहाँ पर मैं जानबूझ के उसको किल दे रहा हूँ, और जैसे ही वो मुझे मार देगा तो यहाँ पर मेरा मिशन कम्प्लीट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देखो, जो पहले 5 था अब बढ़ के 6 हो चुका है, और जैसे ही मैं ऐसा करूंगा टोटल 300 बार, तब जाके यार मेरा मिशन हो जाएगा टोटली कम्प्लीट और मेरे को मिलेगा यहाँ पर टोटल 170 पॉइंट, और साथ में मिलने वाला है मेरे को अनक्राउंड का टाइटल भी। सो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले मिशन की ओर। सो दोस्तों हमारे इस मिशन का नाम है रिपिन फ्रेंजी। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको BR रैंक या CS रैंक में 20 सेकेंड के अंदर 2 बंदों को हेडशॉट मारना है। मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। देखो आप लोग को रैंक गेम में आने के बाद किसी भी 2 बंदों को फटाफट हेडशॉट मारना है। जैसे कि मैंने एक बंदे को हेडशॉट मार दिया, अब मेरे को 20 सेकंड के अंदर एक और बंदे को हेडशॉट मारना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ मुझे एक और बंदा दिख गया, मैंने इसको भी हेडशॉट मार दिया, और आप लोग यहाँ पर देखो यहाँ पर मेरा मिशन कंप्लीट। और जैसे ही आप लोग ऐसा करोगे 100 बार, तो आपका ये वाला मिशन हो जाएगा टोटली कंप्लीट और आपको मिलेंगे यहाँ पर टोटल 170 पॉइंट। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले मिशन की ओर। तो दोस्तों इस मिशन का नाम है द आर्ट ऑफ गन प्ले। इसमें क्या करना पड़ेगा, आप लोग को जो गन होते हैं ना उसमें मास्टरी लगानी पड़ेगी, ठीक है। सो गाइस आप लोग को पहले यहाँ पर वेपन पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको राइट साइड में देखने को मिल जाएगा मास्टरी का बटन, आप लोग को उस पर क्लिक कर देना है, तो आप लोग यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है ना। यहाँ पर मालूम चलता है आप लोग किसकी गन में मास्टरी लगा रखे हो, ठीक है ना। आपको ये जो लाइन दिख रहा है ना 18% वाला व्हाइट लाइन, जैसे ये 100% हो जाएगा, मतलब कि उस गन में आप लोगों ने यहाँ पर मास्टरी लगा लिया, ठीक है ना। मेरा यहाँ पर थम्सन गन में मास्टरी नहीं लगा हुआ है। और दोस्तों जिस गन में आपको मास्टरी लगाना है, उस गन को लेकर आपको बहुत ज्यादा खेलना पड़ेगा, और मैं खेलता नहीं इसलिए मैंने यहाँ पर मास्टरी नहीं लगा हुआ है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर मास्टरी लगा लोगे तो आपको ये सब रिवॉर्ड भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों जैसे ही आप लोग 10 गन में मास्टरी कर लोगे, तब जाके आपको यहाँ पर मिलेगा टोटल 170 पॉइंट और आपका ये वाला मिशन हो जाएगा टोटली कम्प्लीट। अब गाइस बढ़ते हैं अपने अगले मिशन की ओर। सो दोस्तों हमारे इस मिशन का नाम है ब्रांड आइकन, और ये एक बहुत ज्यादा इजी मिशन है अगर आप लोग के पास पैसे हैं तो, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पर देखो आप लोग जैसे लैब पे आओगे ना, लैब पे क्लिक करना, उसका ट्रेंड प्लस पे क्लिक करना, उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर ब्रांड देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग को ये सब जो दिख रहा है ये फ्री फायर में कपरा का ब्रांड है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखो एंजेलिक लिखा हुआ है, जैसे आप लोग एंजेलिक पे क्लिक करोगे तो आप लोग को यहाँ पर जितने भी एंजेलिक के कपड़े आए हैं फ्री फायर में, और जो नहीं भी आए वो भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जो भी एंजेलिक ब्रांड के अंदर आते हैं। अगर आपके पास इनमें से एक भी कपड़ा है तो बहुत अच्छी बात है। और गाइस आप लोग को ब्रांड आइकन मिशन कंप्लीट करने के लिए आप लोग के पास हर एक ब्रांड का एक एक ड्रेस होना चाहिए, कम से कम एक एक ड्रेस होना चाहिए, तब जाके आपका जो ब्रांड आइकन मिशन है वो कंप्लीट होगा। सो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो ब्रांड आइकन वाला मिशन है उसका 0 है, बिकॉज मेरे पास कोई भी एक भी ब्रांडेड ड्रेस नहीं है। अगर आप लोग के पास है तो कमेंट करके बता देना। सो गाइस हमारे इस मिशन का नाम है फैशन इंस्टा, और भाई कितने बंदों को ये मिशन समझ में नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको जो ब्रांड ड्रेस होते हैं ना उसका पॉइंट कलेक्ट करना है। देखो यहाँ पर लैब पे क्लिक करना,
और फिर ट्रेंड प्लस पे क्लिक करना और उसके बाद आप लोग यहाँ पर आ जाओगे। अब देखो आपको ये जो 6 ब्रांड दिख रहे हैं ना, इसमें से किसी एक ब्रांड का ड्रेस होना चाहिए आपके पास इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। हम लोग फॉर एग्जांपल एंजेलिक ब्रांड का आपको समझा देते हैं। जैसे कि आप लोग एंजेलिक ब्रांड में गए, अगर आपके पास एंजेलिक ब्रांड का कुछ भी है, पैंट वैंट कुछ भी है, तो आप लोग को उसको पहन के खेलना है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप लोग राइट साइड में देखोगे आपको देखने को मिल जाएगा ब्रांड पॉइंट। जैसे आप लोग को मैं वहाँ पर क्लिक करके दिखाऊंगा, तो आप लोग यहाँ पर देखो जैसे आप लोग उस ड्रेस को पहन के खेलोगे तो आपका ये जो पॉइंट है ना, ब्रांड पॉइंट, ये आपका इंक्रीज होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे आप लोग इंक्रीज कर लोगे तो आपको यहाँ पर जो रिवॉर्ड दिख रहे हैं वो भी मिलेंगे और साथ में आपका मिशन भी कंप्लीट होगा। और दोस्तों जैसे आप लोग यहाँ पर टोटल कर लोगे 4000 ब्रांड पॉइंट, तब जाके आपका ये वाला मिशन हो जाएगा टोटली कंप्लीट और आपको मिलेंगे यहाँ पर टोटल 170 पॉइंट। ओके थैंक यू। अब दोस्तों मैं आपको एक टिप एंड ट्रिक देता हूँ, जितने भी रैंक वाले मिशन है उसको आप लोग कैसे इजी कंप्लीट कर पाओगे। बिकॉज रैंक में तो अच्छे बंदे आ जाते हैं ना, तो आप लोग क्या करना है, अभी देखो आप लोग का सीजन रिसेंट में ही चेंज हुआ है तो आप लोग का ना रैंक उतना हाई होगा नहीं, तो क्या करना है आप लोग को रैंक हाई करने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है। बिकॉज एक बार इमोट निकाल लो उसके बाद आप लोग आराम से अपना रैंक हाई कर लेना। तो यहाँ पे क्या करना है आप लोग को अपना रैंक को और माइनस कर लेना है, जिसकी वजह से आप लोग के गेम में भाई इतने बोट बन जाएंगे ना, उनको मार के आप लोग जो मिशन कंप्लीट करोगे एकदम मजे में भाई आपको मजा आ जाएगा। और दोस्तों ये सब मिशन करने के बाद भी अगर आप लोग का इमोट नहीं निकलता तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैंने इस टाइप की और भी मिशन अपने चैनल पे बता रखे, उसका प्लेलिस्ट भी बना रखा है, आप लोग जाके एक एक करके देख लेना, जिसकी वजह से आप लोग का आराम से 8000 पॉइंट हो जाएगा। और दोस्तों इसी बात पे कमेंगे कि ये बताओ किन किन बंदों का ये वाला इमोट आज के दिन निकला है और जिसका नहीं निकला है तो कितने पॉइंट के लिए बाकी है, जरा कमेंट करके बता देना। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोग से फिर किसी एक नए वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय बाय।